माला 25 से 30 भड्डू हुए थे एक साथ, मतलब बैगन क्या दगड़ियो खास लाया कुछ बुढ़ापा लाया कुछ कह सकनी हो बाप के नहीं कह सकनी भाई जेल हो यशो हो जोस लो हो धर्मा को देवी थाना। दोस्तों नमस्कार, पहला प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आपका भाई भी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है और इन पहाड़ों में कहीं ना कहीं व्यस्त है। तो दोस्तों आज भी हमारे गांव में ना एक महिला संगीत होने जा रहा है, मतलब वो लोग गांव में आ रखे हैं, तो पहली बार अपनी पोती को लेकर के गांव आ रहे हैं, तो वो महिला संगीत भी करा रहे हैं। और साथ ही ना कुछ ऐसे पुराने लोग भी हमारे गांव में आ रहे हैं जिनको इस गांव को छोड़े ना लगभग 20 से 25 साल हो गए, तो वो लोग भी आ रहे हैं अपने पैतृक जन्मभूमि में। तो उनसे भी मुलाकात कराता हूँ और साथ ही आपको पहाड़ी महिला संगीत भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सभी भक्तिगण ग्रहण करें। दोस्तों ये है माँ भगवती का प्रसाद, मंदिर का प्रसाद तो लगभग सभी को बट चुका है। और उसके बाद ना थोड़ा सा मैं भी इसको ग्रहण। दोस्तों अभी ना मुझे मिले हमारे चाचा जो कि हल्द्वानी निवासी हैं, लगभग काफ़ी टाइम से हल्द्वानी में ही वो रहते हैं इनके पिताजी लोग। तो आज काफ़ी लंबे टाइम बाद यहाँ पर आना हुआ इनको, तो अपनी पूरी फैमिली को लेकर के यहाँ पर आ रखें, तो इनको मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना गांव विजिट करा दूँ, थोड़ा भ्रमण करा दूँ। तो अभी मैं लेके आया हूँ इनको नौले पे, जो हमारा जीवनदायक जल स्रोत है, पानी का स्रोत है उस स्थान पर। तो इनको भी ये चीज़ दिखा दी और थोड़ा सा गाँव भ्रमण करा दे। नया बच्चा है हमारे गांव में। दोस्तों इसी के साथ एक सुंदर सा गाना है हमारे गुरुजी की। तो मुझे यूं जला न पाओगे, तुझे यूं जला न पाओगे, जली लंका मेरी जला मैं भी, तुझे यूं जला न पाओगे। मैंने सीता हरी हरी के लिए राक्षस कुल की बेहतरी के लिए मैंने प्रभु को घुमाया वन वन में, तू प्रभु को थोड़ा थेज।
महिला संगीत में मूल महिला संगीत चल रहा ने तो वहाँ बाप घर जामरी ठंड है गो ना मा पहाड़ों में ठंड है गो सब तो बहुत लगनी है जब ये जाकर बैठे मन करनी है बेचार बुड़बाड़ी मिल जाए गपशा बजानी है ना कमला दूध ले नवाया मेरी कमला देवी थाना कमला दूध ले नवाया मेरी कमला। अम्मा ने देखा अभी कितना प्यारा सा गाना सुनाया धार माँ को देवी थाना वे छपाला है जे माई भग पैती तुम मेरी कमला हमारे टी माँ भग पैती गवाह सब है छुपाला है जे मेरी देवी मेरी माता सब है छुपाला है जे मेरी माता भवानी मेरी माता। तो दोस्तों यही होता है महफिल में रंग जमाना ना तो कोई बुजुर्गों से सीखे तो हमारे पहाड़ों के बुजुर्ग कुछ ऐसे कलाकार हैं जो ना बिल्कुल महफिल में रंग जमा देते हैं। तो अभी हमारी अम्मा भी मिल गई थी हमें तो अम्मा अब बुढ़ापा है अम्मा मत मत ना तो अम्मा अब 5 साल पहले 7 साल पहले तो तुम लोग बहुत जगह है पूरी वही तो खेत आवाज है सब कुछ अब बुढ़ापा है वही तो ना ना सही छोमा आराम करे टाइम को बहुत लोगों मेहनत पहाड़ बहुत करे अपन पहाड़ों पर अब बिल्कुल मस्त जाओ ना जी चलो अब मैं भो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ आते रहते हैं और शाम का समय है इवनिंग का टाइम है काफी प्यारा सा मौसम हो रखा है और पहाड़ों में ना ठंड होना स्टार्ट हो चुकी है बहुत तगड़ी वाली बट अभी मैंने स्वेटर पहनी नहीं है क्योंकि हम थोड़ा सा हमने भी उपले बनाना शुरू कर दिया है पहाड़ों में क्योंकि ना ठंड ज्यादा होने लगी है तो हमारे तीन उपले बाजला तीन उपला बन रही भैया कहला ना कहला बन रही हमारे गुरुजी ने बना रखे हो तो अभी फिलहाल हम सभी लोग निकल रहे दुकान की ओर तो ये हमारे कुछ भ्राता लोग तो फाइनली मैं भी घर से तो दोस्तों फाइनली मैं भी घर से निकल गया हूँ तो दुकान जाते हैं और कुछ सामान वगैरह लेके आना है वो लेके आते हैं और ये हमारा भड्डू का पेड़ ना अब जो है सूख गया है इसमें लगभग 25 से 30 भड्डू हुए थे एक साथ मतलब बैगन आओ फिर आओ जल्दी आओ बबलू ठीक है चल चल हिट मंकू गुन्नू तो हमारे साथ आते रहते हैं और शाम का समय है इवनिंग का टाइम है काफ़ी प्यारा सा मौसम हो रखा है और पहाड़ों में ना ठंड होना स्टार्ट हो चुकी है बहुत तगड़ी वाली बट अभी मैंने स्वेटर पहनी नहीं है क्योंकि हम थोड़ा सा झेल लेते हैं। अभी मैं हूँ गौशाले पे तो जो भैंसे हैं और जो कठड़ा है उधर उनके बच्चे हैं तो अभी फिलहाल ये घास खा के बैठ चुके हैं तो अभी ना जो है ये घास को ना वो कर रहे हैं अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हैं पचा रहे तो वो रमुआ है ये भागुली है वो नंदी है वो खिमुली है तो ये इनके नाम है एक कलाकार हमारे साथ और जुड़ चुके हैं हमारे ताऊजी बहुत ही प्यारे से ताऊजी जो कि बीड़ी का सट्टा अरे धार मां एक एक बढ़िया सा गजब अरे यार जेल है और यहाँ पर ताऊजी ने बिल्कुल बढ़िया भी बना दिया ताऊजी अब घाम को भदे धरते बनूगा और ताऊजी ने भी बिल्कुल आनंद लिए गानों का अब बहुत बढ़िया कलाकार मजा आ गया ताऊजी। तो दोस्तों जो ताऊजी की कल्पनाएं थी ना बहुत बड़ी थी मतलब वो हमारी एक क्षेत्रीय लैंग्वेज में थी उन्होंने बोला कि द्वि रोटी खाते मतलब दो रोटी के कारण मैं परदेश गया और मैंने दर दर की ठोकरें खाई सिर्फ रोटी के कारण क्योंकि पता है ना पेट है यार तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको आप चाहे शहरों में रहो चाहे पहाड़ों में रहो तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा तो ताऊजी ने कुछ ऐसी कल्पना की थी तो काफ़ी अच्छा लगा उनकी इस दर्द भरे स्वर को सुन के बहुत बढ़िया मजा आया। अरे क्या को आजा मंकू आजा 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 मंकू आजा ले मंकू 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 मंकू
से चार लैंड भैंसे, तो उनके लिए मैं घास ले आया हूँ, बहुत ही बढ़िया वाली घास, हरी हरी घास। तो असोज का महीना लगाया भाई, शाम के बज गए 6, तो अभी मैं घर नहीं पहुँचा हूँ, घर पहुँचता हूँ फटाफट। और उसके बाद से भैरला मुरा रहे हो अल्लो, तुमको मैंने महिला संगीत दिखाई देखो, तो मैं तुमको थोड़ा गीत लो सुनाई, और हम खाली बोला हमरो कांदल लौंडों में इतने कामदारी लौंडे कहाँ मिलेंगे पहाड़ों में। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा कामदारी लड़का हूँ।